Good morning, children. Welcome back to online class. Student of class 7, geography. और ये chapter number 4 है, 13 है. Chapter number 13, जो हम पढ़ने वाले हैं आज. And our topic is earthquake. हमारा जो topic है आज earthquake chapter number 13 से है. Now, let's start this topic. See here, the sudden shaking of the earth crust is called earthquake. Earthquakes are vibration or tremors felt on the surface of earth. The tremors are caused due to disturbance being the crust. We can measure on Richter scale. Now, तो अभी हमने देखा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक के बारे में. अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है. तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप. भूकंप नाम से ही देख रहे हैं आप लोग, भूकंप. भू मतलब भूमि, धरती. और कंप मतलब कंपन, मतलब भूमि का कंपन, यानी कि भूमि में, धरती में एक ऐसा वाइब्रेशन आ जाना जिसके कारण हमें वाइब्रेशन फील होता है और सारे चीज हिलने डुलने लगते हैं अचानक, वही हमारा क्या कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है. द सडन शेकिंग, अचानक जो है वो हिलने लगता है. द अर्थ क्रस्ट, जिस पे हम लोग रहते हैं, वही हमारा भूकंप कहलाता है. एंड अर्थ क्रस्ट पर वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन होता है उसके सर्फेस पर, जिसके कारण उसी का वाइब्रेशन के, जैसे हमारा मोबाइल वाइब्रेट होता है, हमारे पूरे शरीर में वो फील होता है वाइब्रेशन के दौरान, या किसी सरफेस पर भी तो पूरा सरफेस गन करने लगता है, एकदम सेम वही सरफेस जो है वो होता है अर्थक्वेक के समय. एंड दिस डिस्टर्बेंस, और ये जो शेकिंग एक प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है, कुड आइदर बी ड्यू टू अ प्लेट्स कोलाइडिंग और अगेंस्ट ईच अदर और ड्यू टू अ वोल्केनिक इरप्शन. हम लोगों ने बहुत पहले बताया था कि जो अर्थ क्रस्ट होता है उसके नीचे जो स्लैब्स होते हैं, वो बहुत सारे स्लैब्स में जो है वो क्या होते हैं, वो परिणत हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और वही जो स्लैब्स आपस में टकराता है उसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है. उसी टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण, घर्षण के कारण हमें अर्थक्वेक फील होता है. और ये फीलिंग्स जो है वो हमें भूकंप के नाम से जानी जाती है. Now, अब देखेंगे हम मेजरिंग अर्थक्वेक. तो इस जो भूकंप इतने बड़े पैमाने पर होता है उसको नापने का क्या तरीका है. द अर्थक्वेक आर मेजर ऑन द स्केल रैंगिंग 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक जो है वो नापा जाता है, और जिस स्केल पर नापा जाता है उसको रिक्टर स्केल कहते हैं. एंड द हायर द नंबर ऑन स्केल, जो कि सबसे हाई नंबर पे होता है, एंड द ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ क्वेक मेजरिंग इन 6 और एबव आर डिस्ट्रक्टिव. ज्यादा से ज्यादा वो 6 होता है, उससे ज्यादा जो है वो 9 होगा तो काफी गड़बड़ हो सकता है. द पॉइंट इन साइड द अर्थ फ्रॉम द वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट, यहां से अर्थक्वेक जो है निकलता है उसको फोकस कहते हैं. एंड द पॉइंट एग्जैक्टली अबव द फोकस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, यानी कि जिस जगह धरती के अंदर होगा और जिस धरती के अंदर से हम लोग बाहर फील करते हैं, उसके बाहरी सतह को जो है वो ईपी सेंटर बोला जाता है. ठीक है. एंड द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द अर्थ टेक प्लेस एट द ईपी सेंटर, और सबसे ज्यादा भूकंप के जो झटके होते हैं ना, वो भूकंप के झटके हमें फील कहां से होते हैं, इसी ईपी सेंटर से होते हैं. तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे. नाउ सिस्मिक वेव एंड द सिस्मोग्राफ, द टू टॉपिक्स. सी हियर, सिस्मिक वेव, इट इज अ टाइप ऑफ वेव हूज इंटेंसिटी रिड्यूस एज दे मूव अवे फ्रॉम द अर्थ. सिस्मोग्राफ द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजरिंग द अर्थक्वेक.
नाउ सी हियर, हम लोगों ने बात किया अभी थोड़ी देर पहले ईपी सेंटर के बारे में। तो ईपी सेंटर पे जो है वो क्या होता है, वो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का जो है वो प्रभाव होता है। तो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का जो प्रभाव होता है तो बताइए नेपाल में हुआ और फिर हमारे यहाँ क्यों इतना महसूस हो रहा है ना। नेपाल में भी बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसके कारण वहां का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया था। तो क्या कारण था उसके, सबसे पहले हम लोग रीजन जानेंगे कि यहां तक क्यों आया। तो सिस्मिक वेव के कारण ही हमें यहां महसूस हुआ। तो सिस्मिक वेव है क्या, देखिए यह एक प्रकार का ऐसा वेव है जो कि धीरे धीरे करके क्या होती है, जो ईपी सेंटर का जो हमारा जो भी वेव होता है, ईपी सेंटर से जो वेव निकलता है जो उसका तो बहुत ज्यादा तगड़ा होता है, ज्यादा ताकतवर होता है। वही चीज सिस्मिक वेव में आकर के थोड़ा सा कम हो जाता है और कम में होने की वजह से हमें फील होता है ना। अब इसको ये सिस्मिक वेव को कैसे अब हम लोग कलेक्ट करते हैं, जानते कैसे हैं, तो एक सिस्मोग्राफ होता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग द क्वेक्स एंड द सिस्मोग्राफ एंड द पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक आर नोन एज द सिस्मोलॉजिस्ट। जिस ग्राफ पर जो है वो अंकित होता है वो सिस्मोग्राफ होता है और जो स्केल हम लोग यूज करते हैं उसके लिए रिएक्टर स्केल हम लोग यूज करते हैं और जो इसकी पढ़ाई करते हैं उसको सिस्मोलॉजिस्ट जो है वह बोला जाता है, क्योंकि वह सिस्मोग्राफ की पढ़ाई करते हैं इसलिए सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, है ना। जैसे जियोलॉजी की पढ़ाई करने वाले को जियोलॉजिस्ट कहते हैं ना, वैसे ही देखते हैं आगे। ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक स्पेशली द हिमालयन रीजन बिकॉज द हिमालयस रिसेंटली फ्रॉम माउंटेन आर द एरिया इज स्टिल वेरी अनस्टेबल। हिमालय माउंटेन को हम लोगों ने बताया था कि न्यू ओल्ड माउंटेन जो है वह कहा जाता है। न्यू माउंटेन जो है वह कहने का कारण यह है कि इसके आसपास के जितने भी जो एरिया है, इस रेंज में जितने भी सारे जो एरिया आते हैं वो सभी एरिया में अर्थक्वेक आने की ज्यादातर जो है वह संभावनाएं होती हैं। जैसे अपने इंडिया में भी जो है वह कितनी बार आ चुका है, एक बार आया था गुजरात में, गुजरात में आने के बाद वहां का जनजीवन जो है वह काफी अस्त व्यस्त हो गया और हमारा जो अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है वो भी काफी हद तक होता है। क्या है कि द अर्थक्वेक ऑकर्ड एट स्लो डेप्थ एंड देयरफॉर द अर्थक्वेक वेव हैड ट्रेवल ए शॉर्ट डिस्टेंस थ्रू द अर्थ रीच टू सर्फेस सो देयर एनर्जी वेव हाई। अर्थक्वेक जो है काफी शॉलो डीप दम अंदर गहरे में होता है इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता, लेकिन फिर भी जहां तक जाता है वो काफी हद तक प्रेशर डालता है और इसी प्रेशर के कारण काफी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है और बहुत सारा जान माल की हानि होती है। द अर्थक्वेक स्ट्रक इन मोस्टली थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ कंट्री, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेटेड एरिया है वहां पे ज्यादा होता है क्योंकि क्रॉस पर जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उसी प्रेशर के कारण टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराएंगे। हैड्रीज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली द एब्सेंस ऑफ अ गुड एयरपोर्ट्स हैम्पर्ड द रेस्क्यूज वर्क। जो कम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो जहां पे जगह होते हैं वहां पे जो है वो काफी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में फायदेमंद होता है, इसलिए क्योंकि उस जगह पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम बहुत कम हुआ रहता है और कंस्ट्रक्शन का काम कम होने के कारण हम लोग आसानी से उस जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, बहुत सारी चीजों को बचाया जा सकता है, आदमी को, जानवर को, ये सब चीजों को। चलिए तो आज के लिए इतना ही बस, अब चैप्टर का समापन हुआ है पर आप लोग क्वेश्चन सब कर लीजिएगा और साथ ही इसे 7 से 8 के बीच में भेजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।
धन्यवाद।